हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज राखी शर्मा। तो आज मैं आपको देहरादून में पल्टन बाजार का व्यू कराने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज मैं दिल्ली से देहरादून आई हूँ दीप्ति के साथ। पूरा दिन हो गया ड्राइविंग करते करते, घर गए, खाना खाया, अगेन हम आ गए हैं मार्केट में, गाड़ी पार्क कर दी है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इन लोगों को कहाँ घुमाने जाऊँ। तो मैंने सोचा कि जो टाइम है अभी एक दो घंटे का टाइम है बस, तो क्यों ना पल्टन बाजार ही घुमा दूँ। तो आपको भी पल्टन बाजार का व्यू कराती हूँ। ये पल्टन क्या कर रही है? आजो भी तो मेरी पल्टन। ये है देहरादून का घंटाघर जो सामने नजर आ रहा है। फाइनली हमने एंट्री कर ली है पल्टन बाजार में। चले, क्या लेना है? टॉय लेना है? कौन सा टॉय? बच्चों को तो बस टॉय के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ये 200 रुपए में है। तो सेफ्टी फर्स्ट लगा के आए हैं। शोरूम देखा था जहाँ पे मुझे हमारा के फूल फूल लेने थे, वो तो मिले नहीं। मैं सोच रही हूँ या तो लिबर्टी पर ट्राई करूँ या किसी पर ट्राई करूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सब ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। पल्टन बाजार देहरादून की एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको लेटेस्ट एंड डिजाइनर क्लोथ्स बहुत ही रीजनेबल और सस्ते दामों पर मिलेंगे। और देहरादून की ये इकलौती मार्केट है जो सबसे बेस्ट है देहरादून में शॉपिंग के लिए। दीप्ति को वो ड्रेस पसंद आई है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई है, आई थिंक सुबह की उठी हुई। दीप्ति का मन कर रहा है बच्चों को मोमोज खिला दो एक प्लेट में। मेरा मन नहीं कर रहा, इनका मन कर रहा है मोमोज खा लेते। अच्छा, मैंने सोचा तेरा मन कर रहा है बच्चों को खिलाने का। कितने की प्लेट है? 400 रुपए की, 8 की। अच्छा, बच्चों को मार्केट में आते ही खिलौनों की बड़ी जरूरत पड़ जाती है। और ये देखना इसका है,
यहाँ पर अगर फर्नीचर के लिए जाना चाहते हैं तो फर्नीचर की अलग मार्केट है, कपड़ों की अलग मार्केट है, मतलब हर तरह के अलग अलग मार्केट है। और यहाँ पे खाने पीने का भी सामान है, जैसे हमने यहाँ पे ट्राई किया और आगे मैं दिखाती हूँ, आगे कचौड़ी वाला भी है। ₹50 के 8 मोमोज है, लेकिन क्वांटिटी सही लग रही है ना उस हिसाब से। मम्मी दिला देना, ये मोमोज नहीं खाती, मोमोज खाना जिसे नींद आनी है। मैं तो भूल गई हूँ पार्किंग और मुझे रास्ता भी याद नहीं रहा, मैंने फोटो तो खींची लेकिन मुझे नहीं पता। अब दीप्ति और रिंकी थोड़ा सा श्योर है, तो लेट्स होप कि हमें पार्किंग मिल जाए। मैं बड़ी इस मामले में ना शायद है ना बुद्धू कह लो या मतलब होगी, मेरे को याद नहीं रहते, पहली बार में याद ही नहीं रहते पार्किंग मोस्टली। थैंक्स टू यू बच्चों का कि जो बच्चों की वजह से हमें गाड़ी इजिली मिल गई है। तो फाइनली मुझे जितनी टेंशन थी ना रिधांश ने वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दी और ऊपर से देख ले कि गाड़ी है कहाँ पर। तो हम पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी में, अब चलते हैं। गाइस 6 बज गए हैं और पल्टन बाजार से हम निकल लिए हैं, और अगर ना हम दिल्ली की किसी मार्केट में होते तो शायद हमारी शॉपिंग ही 5 बजे के बाद स्टार्ट होती है। और दिल्ली में ना थोड़ा सा जैसे हम बचपन से ब्रॉन अप है तो सब कुछ ना थोड़ा इजी लगता है, और 6-7 बजे ज्यादा घूमने में मजा आता है, 8 बजे तक आता है। लेकिन ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे जनरली 8 बजे तक तो मोस्टली सब कुछ शांत सा दिखाई देगा, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है और दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता है। तो ऐसा लगता है कि पहाड़ी एरिया पे चुप हो जा, मतलब पहाड़ी एरिया पे गाड़ी आपको सेफली ड्राइव करनी है, बीइंग अ फीमेल तो टाइम से घर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस मैं अपना व्लॉग का ना यहीं पर एंड करती हूँ और अपने घर पहुँचती हूँ, और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पल्टन बाजार का जितना मैं दिखा सकती थी दिखा दिए, छोटे में ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।